ऋषि दर्शन के इस अंक में आप देखेंगे 27 सितंबर को समूची दुनिया में धूमधाम से मनाया गया संत श्री आशाराम जी बापू का आत्म साक्षात्कार दिवस। देश भर के सभी आश्रमों में किया गया सामूहिक पितृतर्पण कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ। श्वासो श्वास में देखो सो हम, सो हम अजपा चल रहा है। महाभारत की गायत्री अलग है और वेद की गायत्री अलग है, उपनिषद की गायत्री अलग है। ऋषि कहता है अजपा गायत्री विकार दंडो धेय। वो भी दशहरा के दिन, आज का दिन बहुत महत्व का है और आज की संध्या तो उससे भी ज्यादा महत्व की। चंद्रमा जी को देखना टिकटिकी लगाकर, इससे आपकी पित्त संबंधी तकलीफें और नेत्र ज्योति संबंधी तकलीफें कम हो जाएगी। और माँ महंगीबाजी ने क्यों कहा जगत मिथ्या है, और मन बुद्धि के ऊपर जो नियंत्रण करता अहम मैं पना, उस मैं को जहाँ से सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उस असली मैं स्वरूप परमात्मा के साथ मंत्र विज्ञान, जप और ध्यान विज्ञान जीव को जोड़ देता है। बापूजी ने समझाया दीपावली जरूर मनाएं, लेकिन जलाएं अंतरज्योति। धनतेरस को दीप दान करने वाले की अकाल मृत्यु टल जाती है। आज सरसों के तेल का दिया जलाए तो आंखों के लिए हितकारी होता है। लक्ष्मी वृद्धि के कई उपाय बताए गए। दिवाली बाह्य ज्योति का आश्रय लेकर अंतर ज्योति जगाने की सद प्रेरणा देती। जो वर्ष के प्रथम दिन हर्ष से प्रसन्नता से दिन आरंभ करता है, उसका वर्ष भर हर्ष से प्रसन्नता से बीतता है। बहन और भाई का मधुर संबंध समाज समझकर संयमी जीवन जिए, इसमें लौकिक परलौकिक दोनों भाव छुपे हैं। लाभ पांचम के दिवस में तो चाहूंगा कि लाभ पांचम, जैसे पांच भूत है ऐसे आज तिथि पांचवी। बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए देश भर के स्कूलों में चलाया जा रहा है योग व उच्च संस्कार कार्यक्रम। महिला उत्थान मंडल की बहनों ने देश भर में चलाया चले स्व की ओर अभियान। और सिंधी समाज के अग्रणी महेश सुखारामानी ने बिंदास बोला बापूजी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुआ है षड्यंत्र। और योगासन में इस बार देखिए ढेरों फायदा पहुँचाने वाला यह योगासन। हरिओम का कीर्तन कैसे मदद कर सकता है आत्मा परमात्मा के मेल में। 2 मिनट भगवान में गोता लगाना कैसे होता है हितकारी।